झीरम घाटी नक्सली हमले की 10वीं बरसी पर हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जूना बिलासपुर के विश्वकर्मा भवन में लायंस क्लब, महिला समूह और कांग्रेसियों ने मिलकर रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस दौरान मारे गए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया गया और बड़ी संख्या में रक्तदाता पहुंचकर अपना योगदान दिया। प्राप्त रक्त को थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को दिया जाएगा। इस काम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि रक्तदान पुण्य का काम है, इसमें सभी को योगदान देना चाहिए। रक्तदाताओं को पौधा और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहीद नंद कुमार पटेल फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से झीरम घाटी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 25 मई को जो झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था उसके उनकी याद में, शहीदों की याद में हमेशा रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहते हैं। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले दिनों पढ़ा कि शहर के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो रही है अभी, तो इसलिए हमने स्वास्थ्य शिविर को टाल करके रक्तदान शिविर करने का फैसला किया है और लगभग 50 से ज्यादा लोग अभी रजिस्टर्ड हो गए हैं और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आज यहाँ पे शिविर में हम लोग रक्तदान के माध्यम से कर सकें और जरूरतमंद मरीजों को उनका लाभ दिला सकें। ये शहीद नंद कुमार पटेल जी लोगों के लिए सेवा भावना करते रहे, लड़ते रहे और उनके शहीद होने के बाद उनके फाउंडेशन के नाम को लेकर हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और आज शहर में ब्लड की कमी है, इसको देखते हुए आज फाउंडेशन शहीद पटेल जी के नाम से जो फाउंडेशन चल रहा है उसके यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है और लोगों ने डोनेट किया है और उसको हम लोग जरूरतमंद को उपलब्ध कराए।